Today, my topic is the cyber security and safety. Actually, in one day, I can't complete this presentation, but because it is very large. But the awareness of the cyber security and safety is very much necessary for all of us, because we can see that in today's world, there will be various cyber thefts will be there in this world. So before starting this, I will show you some video, one video that will define that how cyber security Can you tell me क्या सीखा है इस वीडियो से? Anyone? What the video has been shown just now? हमें किसी भी लिंक को directly open नहीं करना है. Right. And क्या हो सकता है अगर हम लोग अपने
सेव करके रखे ब्राउजर में, क्या हम लोग इंफॉर्मेशन को सेव चुरा सकता है? Yes, it is possible. It is possible. Yes. क्या हम लोग करते हैं ये सब डेली लाइफ में? Yes, करते हैं. मतलब हम लोग का जो डेटा है, क्या हम लोग नहीं समझते अपने आप को, वो सेंसिटिव डेटा है. अगर सपोज कीजिए कि यू आर ट्रांसफरिंग द मनी और आपके पास आईडी और पासवर्ड है बैंक का, तो वो भी तो चोरी हो सकता है. तो हम लोग अपना डेटा को क्यों सिक्योर करना चाहते हैं और क्यों? यहाँ पे एक दिखाया होगा आईपीसी सेक्शन 420, वो क्या शो कर रहा था 3 साल का जेल. बोलना तो नहीं चाहिए बट वी हैव सम, मतलब आई एम द राइट नाउ क्लास टीचर ऑफ 9 है, वन ऑफ माय स्टूडेंट हिज नेम इज हरि, वाज अंडर 420 आईपीसी सेक्शन. So he did the cyber crime. ठीक है? Okay, तो then we start that हम लोग इससे कैसे अपने आप को protect करें और कितने सारे security होते हैं. और India में mostly we are the third position for the cyber crime. सबसे ज़्यादा है इसमें social engineering. Social engineering, I will show the slides. Social engineering आप लोगों के साथ कभी ना कभी हुआ होगा, आप किसी का call आया होगा. Someone call you regarding your क्रेडिट कार्ड इश्यूज और मतलब आपका आधार कार्ड कुछ पूछने का कोशिश किया होगा, दैट कम्स अंडर द योर सोशल इंजीनियरिंग थ्रेट. और भी होते हैं, फिशिंग होते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट और हम लोग कैसे उससे बचे. देन आई विल शो यू कुछ कुछ मेजरमेंट हम लोग लेना है. देन फर्स्ट स्लाइड दैट इज लाइक प्रोडक्शन, इट विल शो एक्चुअली द प्रेजेंटेशन विल बी अराउंड 1.5 hours आफ्टर दैट. There will be the next session about regarding that most of the teachers can explain their some experiences regarding the CBSE training. Okay. My first topic is the what is well cyber security. Cyber security होता क्या है? Mostly it is a protection against the online. दोस्त हम लोग जो भी कनेक्टेड सिस्टम आज का जो भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, चाहे वो FB यूज़ कर रहे हैं, Gmail यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज हैव द डेटा. कोई बता सकता है कि डेटा हम लोग होता क्या? वी हैव द यूजर नेम एंड पासवर्ड, दैट इज द कम्स अंडर द डेटा. और वो सेंसिटिव डेटा कोई भी चुरा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. आपको पता है अगर चोरी जैसे घर पे कैसे होता है, अगर वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन ना हो तो चोरी इजीली हो सकता है. अगर घर पर हम लोग ताला लगा के रखेंगे तो क्या पॉसिबल है? मोस्टली पॉसिबल बहुत कम होता है. अगर ताला नहीं होगा तो हम लोग छोड़ देंगे ऐसे घर, चोरी हो सकता है. वैसे एक इंटरनेट भी आपका जरिया है जहाँ पे बहुत सारे हैकर्स लोग बैठे होते हैं. हैकर्स क्या होते हैं? जो दो टाइप के काम करते हैं, एक ऑथोराइजेशन और अनऑथोराइजेशन. ऑथराइज एक्सेस क्या होता है? जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और सेट ऑफ प्रिंसिपल यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर एथिक्स. जो एक गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि आप लोग को बस यही काम करना है. मगर कुछ हैकर्स होते हैं जो अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, जो किसी का पासवर्ड को हैक करके और उसके अकाउंट डिटेल्स और उसके बैंक का अकाउंट और पैसे को चुराना, ये सब कॉमन चीज है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी है, दैट इज कम्स अंडर द फिजिकल सिक्योरिटी. बोथ आर यूज्ड बाय द एंटरप्राइजेस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेटा सेंटर्स एंड अदर कंप्यूटराइज सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी विच इज डिजाइन टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इज अ सबसेट. ये जो तीन चीज है, दैट इज द 3 pillars ऑफ द साइबर सिक्योरिटी. यहाँ पे जो लिखा हुआ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी, यू विल सी दैट इज कॉल्ड द CI ट्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. ये फॉलो करते हैं साइबर सिक्योरिटी वाले. इसके क्या है? फर्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी क्या बताता है कि हम लोग का जो डेटा है, वी हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एक्सेस बाय ओनली एन ऑथराइज्ड पर्सन. अगर हम लोग का बैंक का पासवर्ड और ID है, उसको अनऑथराइज्ड एक्सेस कैसे हो सकता है? हम लोग किसी का अगर मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो वी नीड हैव दिस 4 digit और 6 digit ऑफ UPI पिन. वो किसी को अगर हम बता देंगे तो वो कौन सा एक्सेस हो जाएगा? दैट वुड बी कॉल्ड द अनऑथराइज्ड एक्सेस. हम किसी को देते हैं ऐसा कुछ?
इनफैक्ट हम लोग जब मोबाइल फोन किसी को भेजते हैं तो हम छुपा के करते हैं, हम लोग करते कि दिखाई करते हैं, या फिर हम लोग मोस्टली अभी स्कैन यूज कर रहे हैं, स्कैनर इज सेफ, बट UPI पिन अगर किसी को पता चल जाएगा तो उससे सिम क्लोनिंग भी हो सकता है। अगर उस डिवाइस की मदद से हम लोग कोई भी ब्लैक सिम के मदद से उस पर्टिकुलर पर्सन का सिम क्लोन करके उसका जितना भी डेटा है, आप लोगों का इसका नाम नहीं सुना होगा, एनीडेस्क का नाम कुछ किसी ने सुना है? आजकल ये फेमस हो चुका है कि बहुत सारे हैकर्स लोग आपको फोन करके बोलेंगे कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दीजिए। उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, जितना भी आप एक्टिविटी उसमें करेंगे मोबाइल में, वो सारा एक्टिविटी वो हैकर्स देख सकता है। दैट इज नथिंग, दैट इज रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं एनीडेस्क। और ये सबसे हम लोग को बचना भी चाहिए कि कोई भी कॉल्स रिगार्डिंग पैसे से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड है उससे हम लोग को सेफ रहना है। तो ये तीन चीज हम लोग को इंश्योर करना है। दूसरा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या बताता है कि जो भी हम लोग का डेटा और इन्फॉर्मेशन है वो ट्रस्टेड होना चाहिए। ट्रस्टेड का मतलब क्या होना चाह रहा है कि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, फ्री ऑफ एप्लीकेशन तो हम लोग यूज करते हैं बचपन से, क्योंकि वी आर इंडियंस, हम लोग को फ्री में सब कुछ चाहिए। और फ्री में मतलब क्या है, फ्री में सब कुछ फ्री हो जाता है। अगर हम कोई फ्री का एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, क्या पता उसमें वायरसेस हो या फिर मालवेयर्स हो, इससे क्या हो सकता है कि उस हमारे मोबाइल में आने के बाद किसी और, मगर क्रैक सॉफ्टवेयर सेफ नहीं है। एटलीस्ट हम लोग को जो भी सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए दैट इज कॉल्ड ट्रस्टेड, और ये भी जो है रिमेन्स इट्स ओरिजिनल स्टेट में होना चाहिए जब तक उसका लाइसेंस होता है, उसको रिन्यू करवाना चाहिए, ठीक है। लास्ट है अवेलेबिलिटी, मतलब डेटा एंड इंफॉर्मेशन को हम लोग को हमेशा उसको बैकअप लेके या फिर उसको हमेशा सिक्योर रखना। अगर अब सपोज कीजिए हम लोग के मोबाइल में बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन आता है ना, अब बैकअप रिस्टोर का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए हम लोग का मोबाइल लॉस्ट हो जाता है तो इनफैक्ट सिंपल ईमेल आईडी को हम लोग एक्सेस दे के रखे हैं जो हम लोग का गूगल ड्राइव है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं सारा इन्फॉर्मेशन को फिर से सिंक करवा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही है। और आजकल लगता है कॉन्टेक्ट हम लोग के पास, पहले क्या होता था हम लोग कॉन्टेक्ट को सेव करके रखते थे पेन ड्राइव में कंप्यूटर में, आजकल जरूरत भी नहीं है, या फिर लिख के रखते थे अपने कॉपी में, आजकल ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है। तो दीज आर द सिंपल ट्रायड ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट, दीज आर द लोगोस विच शोज अबाउट द प्राइवेसी और सिक्योरिटी। आप लोग कभी कोई जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करते हो तो उसको कुछ लोगोस आता होगा, अगर हम लोग बोलते हैं उसको लोगोस, कभी आप लोगों को पता है कि वाटिंग में पेटेंट, पेटेंट का मतलब किसी को पता है पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक अधिकार होता है। कैन यू मेक द डिफरेंस बिटवीन द पेटेंट एंड द कॉपीराइट? यस, पेटेंट इज दैट you are only the inventor and yes. you have submitted your document for the patent purpose, right. That means the product belongs to you. Copyright means you have given accessibility to someone else for copying that, means your authorization is necessary. आपने भी सुना होगा कि जो Coca-Cola company या Pepsi company अभी तक उसने patent किसी को दिया नहीं करना। patent का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी को पेटेंट करवाते हैं तो पेटेंट करवाने के बाद क्या मतलब सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे मैगी ने अपना पेटेंट नहीं करवाया, मैगी ने करवाया पेटेंट, मे बी पेटेंट होगा तब ना, मैगी के अलावा भी बहुत सारे मैगीज आ गए मार्केट में, मतलब उसका जो भी आपका ग्रेडियंट्स है राइट ना, तो दीज आर द लोगोस विच कैन कंफर्म दैट वी हैव द प्राइवेसी का इस टाइप का होता है, डेटा प्राइवेसी जिसमें ताला लगा हुआ रहता है। आप लोग ने देखा होगा जब भी आपने कुछ ब्राउजिंग कर रहे होंगे, इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे होंगे, ऊपर में एक HTTPS करके आता है, HTTPS उसमें एक ताला टाइप का मतलब कि लॉक टाइप का दिखता है, दैट इज द लॉक विच शोज अबाउट दैट योर डेटा इज सिक्योर। इट मीन्स अगर बैंकिंग का भी आप साइट ओपन कर रहे हो या फिर उसको ट्रांजिट कर रहे हो तो डेटा सिक्योरिटी आल्सो, सिक्योरिटी इज आल्सो रिफर्ड अबाउट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज प्रोटेक्टेड। तो ये वेबसाइट प्रोवाइड करता है, अगर इस टाइप का वेबसाइट आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा दैट इज अनऑथोराइज, पकड़ने का एक ही तरीका है उसका URL देखिए सबसे ऊपर में जो रहता है, अगर वो आपको नहीं दिख रहा HTTPS है तो दैट इज अनसिक्योर, उसको छोड़ दीजिए। बहुत सारा पॉपअप विंडोज भी आते हैं हम लोग मोबाइल में, आप लोग को अलाउ करने भी आता होगा कभी कभी कि अलाउ एक्सेस कीजिए नोटिफिकेशन भेजने के लिए, तो आप लोग के ऊपर है। जैसे हम लोग सपोज वी आर सर्चिंग अबाउट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कुछ मटेरियल, सपोज कोई इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन टाइप, उसमें अलाउ एक्सेस बोलते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भेजते रहेंगे, क्या वो नोटिफिकेशन क्या जेन्युइन है?
तो हम लोग अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दैट हाउ इट इज सिक्योर और अनसिक्योर. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड रिप्रेजेंट अबाउट द कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम. कितने टाइप के कैटेगरीज होते हैं जो साइबर क्राइम को हैपन करने के लिए यूज करते हैं. जैसे कंप्यूटर को टारगेट माना जाता है, उसमें बहुत सारे चीज होते हैं, हैकिंग, वायरस अटैक्स और डॉस अटैक. डॉस अटैक का फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ डॉस अटैक. इसमें क्या होता है, अगर हम लोग कभी कभी आपने देखा है कि बैंकिंग सर्वर बहुत जाम हो जाता है, उसमें कुछ वर्क नहीं होता है, कभी कभी उसको अंडर मेंटेनेंस किया जाता है 12 बजे के बाद 2 बजे के बाद. When I was in company, तो हम लोग क्या करते थे, from 2 to 6 PM, there will be the maintenance period. वो maintenance क्यों होता है, उसमें बहुत सारे files और जो dump files होते हैं, उसको clear करने के लिए. This is the same as disk operating system also? Yes sir. Disk operating system also? No sir, disk operating system is also the DOS, but it is a kind of a virus. Virus का मतलब क्या हो गया, एक साल आपको, एक साल का अटैक के अगर वो सिस्टम हैंग हो जाएगा, सपोज कीजिए आपको एक साथ 40 फीचर को बहुत दे दिया, तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा. प्रॉब्लम की बात है, सिमिलरली कंप्यूटर के पास ही मेमोरी है, उस मेमोरी को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग को रैम चाहिए, उसके लिए हार्ड डिस्क चाहिए, तो उतना ही चाहिए जितना उसको मेमोरी वर्क कर सकते हैं. सुपर कंप्यूटर तो नहीं है, ठीक है. कंप्यूटर एज अ वेपन, व्हाई, आज की डेट में हम लोग बहुत सारे कार्ड इश्यूज देखते हैं, हम लोग कार्ड कहीं पर डाल दिए. जैसे आपने देखा कि एक बच्ची ने फेसबुक, बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे को कुछ नॉलेज थोड़ा था, उसको देखा कि आई हैव ओन द 60 लाख रुपीज, आई जस्ट क्लिक इट और सारा कॉपी हो गया डेटा. डेटा कॉपी होने का मतलब सारा इन्फॉर्मेशन वर्ड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से वहाँ पर चल रहा है, ठीक है. तो कैटेगरीज में देख रहे हैं कि कंप्यूटर को टारगेट बनाया जाता है, दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल दैट इज हैकिंग, वायरस अटैक एंड कंप्यूटर को एज आज के टाइम में तो वेपन बोल सकते हैं. नेक्स्ट वुड बी द प्रिंसिपल. अगर हम लोग अगर देखें प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो आप लोग को नहीं पता होगा, अगर आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज लोगे तो हम लोग देखेंगे इस टाइप का एक ब्रिक्स होता है, जैसे बोलते हैं हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं. आप लोगों को नहीं पता होगा तो बेसिक में जैसे हम लोग मदरबोर्ड देखते हैं ना, वो जो डब्बा होता है उसको डब्बे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैबिनेट. मगर सीपीयू एक छोटा सा एक चिप होता है, और वो सीपीयू एक हार्डवेयर फॉर्म में होता है, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है, पूरा सिस्टम को मैनेज करता है. और यहाँ पे कर्नल नाम का चीज है, कर्नल को हम लोग आगे चल के देखते हैं, उसको बोलते हैं हार्ट ऑफ द कंप्यूटर. अगर हम लोग को हार्ट अगर निकाल दिया जाए बॉडी से, तो हम लोग का बॉडी फंक्शन नहीं करेगा. सिमिलरली जो हैकर्स लोग होते हैं वो कर्नल पर अटैक करते हैं ताकि पूरा सिस्टम ही जाम हो जाए. नेसेसरी उसके ऊपर जितना भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो सर्विसिटी, राइट सर, कर्नल इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स. आप जैसे माउस यूज कर रहे हो, कीबोर्ड यूज कर रहे हो, अगर आपके पास अटैक होगा तो कोई की काम भी नहीं करेगा. आप कुछ कर भी रहे हो, वो सिस्टम क्या करो, किसी और के हाथ में चला गया. नहीं समझ रहे हो, मतलब वो सारा सिस्टम आपका यही हैंडल करता है. मतलब वो हैकर जानता है कि आप कर्नल पर अटैक करेंगे, तो वो जो यूजर है, मतलब जो उसको यूज कर रहा है, तो यस, दैट इज द मेन पार्ट, और वो उसको यूज कर ही नहीं पाएगा. सिमिलरली और भी इसके ऊपर जो भी होते हैं, जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं कंप्यूटर में, जो मेन पार्ट यूज कर रहा है, तो उसके पास, तो इसको स्टॉप कैसे करें, गेटिंग एक्सेस टू द लेयर बिलो योर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. इसको स्टॉप करने का तरीका है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर को प्रोटेक्ट करने के लिए दीवार जरूरत है चारों तरफ, वैसे एक फायरवॉल नाम का एक ऑलरेडी इनबिल्ट दिया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, लेकिन उसके लिए हम लोग एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं जेनरली, ताकि वो और एक लेयर पैदा करे. अगर जेन्युइन नहीं होगा देन वो सिक्योरिटी बहुत कम प्रोवाइड करेगा. एक्चुअली हम लोग का जो मोबाइल है वो एंड्रॉइड सिस्टम, जो गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मोबाइल में क्या है कि हम लोग जो भी यूज करते हैं दैट इज कॉम्पैक्टली, और उसमें ऑलरेडी हम लोग को एक लेयर प्रोवाइड करता है, लेकिन हम लोग को सिक्योर होना है अनऑथराइज्ड, और भी कोई जितने भी वेबसाइट है अनऑथराइज्ड वेबसाइट उसको एक्सेस नहीं करना हम लोग बस सकते हैं. सर वो साइट कैसे करेंगे, से कौन सा ऐप जो है ऑथराइज्ड है, कौन सा अनऑथराइज्ड है, मोबाइल में फंस सकते हैं. बिल्कुल, जैसे पहले हम बोले सर HTTPS
और जो भी आपका जो एस रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी के हिसाब से, अगर आप कोई भी एक्सेस कर रहे हो वेब ब्राउज़र वेबसाइट को तो वहाँ पे वो मेंशन रहेगा यूआरएल में। एंटीवायरस कौन सा सर ऑथराइज्ड है, क्या वो सब बहुत सारे एंटीवायरस होना चाहिए? हाँ, जैसे आपका मैकेफी है, नॉर्टन है, ये सब ऑथराइज्ड है। लेकिन एंटीवायरस भी कब काम करता है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि हम लोग का जो बॉडी है, हम लोग जब दवा खाते हैं तो दवा किस टाइप का, सपोज कोई बुखार होगा तो बुखार का दवा ऑलरेडी मार्केट में, जब कोरोना आया था तो उसका वायरस एंटीवायरस था हम लोग के पास नहीं था ना। सिमिलरली एंटीवायरस भी वैसे ही काम करता है, जब तक अभी तक जितना वायरसेस निकल चुके हैं वो वायरस अपडेट होते रहता है, दैट इज कॉल्ड द सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब उस वायरस का कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होता है। अगर कुछ नया वायरस आएगा तो यहाँ पे भी आपका एक रूम रहता है, मतलब वहां पे स्टेबल रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वारंटाइन। हमने बोला था ना क्वारंटाइन, पहली बार वर्ड सुना था जब कोरोना आया था। क्वारंटाइन में क्यों रखा जाता था पर्सन को, कि 15 दिन हम लोग नोटिस कर ले और वहां पे वो वायरस कौन सा डिटेक्ट हो जाएगा, उसमें कौन कौन सा सिम्टम्स आ रहा है। सिमिलरली एंटीवायरस भी वैसे ही काम करता है। एंटीवायरस क्या करता है, अगर ये वायरस नोन है तो उसको वो ओपन होने नहीं देगा वेबसाइट को, अगर वो अननोन है तो उसको क्वारंटाइन में रखेगा और उसके बाद उसके सिग्नेचर को नोटिस करके उसको फिर डिलीट करेगा, राइट? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म डिफाइंस अ सिक्योरिटी पैरामीटर अटैकर्स ट्राई टू बाईपास द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। मतलब हम लोग अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करते हैं तो अटैकर चाहेगा कि उसको बाईपास करे, उसको हटाने का कोशिश करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। $40 million का हैकिंग हुआ था सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में, अगर इंडिया भी आज की डेट में फोर्थ पोजिशन पे आया। बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, हम लोग को नहीं पता चल रहा, हम लोग अवेयर ही नहीं है, हम लोग के पास एथिक्स ही नहीं है कि हम लोग कैसे इसको मेजरमेंट करें। तो दीज अदर टाइप्स, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, दैट हैकिंग, फिशिंग, डेनियल ऑफ सर्विस, स्पैम, स्पाईवेयर क्या होता है, ये सब हम लोग को इसलिए पता होना चाहिए कि कम से कम अवेयर है कि एटलीस्ट कि हम लोग के पास मोबाइल है, मोबाइल या फिर सिस्टम है, हम लोग किसी को बता भी सके। My awareness is not to educate you, but हम लोग सोसाइटी को बता सकते हैं कि कम से कम ये आप प्रोविजन डालिए, कॉल मत उठाइए किसी को, कोई अननोन लिंक पर क्लिक मत कीजिए, ठीक है? तो फर्स्ट इट वुड बी द हैकिंग। हैकिंग में एक मास्क पहना हुआ है, जो सिंपली टर्म्स बोला रहा है इलीगल इंट्रूजन, ठीक है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक नेटवर्क होता है, अगर हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं कि उसमें एक छोटा सा लैन होता है, एक तार से दूसरे तार में कंप्यूटर कनेक्ट होता है, छोटा एरिया में लैन होता है, वाईफाई से कनेक्ट करवाते हैं तो बड़े एरिया में मैन चला जाता है और उससे भी ज़्यादा कंटिनेंट में यूज़ करता है तो लैन हो जाता है। तो नॉर्मली हैकर्स क्या करता है, एक नेटवर्क को यूज़ करता है, वो नेटवर्क के माध्यम से वो क्या करता है, उस कंप्यूटर के सिस्टम में चला जाता है, जिसे बोलता है टनल होना चाहिए। दूसरा तरीका डिवाइन में घुसने का पीछे से भी तरीका है, बट हम लोग मेन गेट से क्यों एंटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑथोराइज एक्सेस है, अनऑथोराइज एक्सेस करने के लिए तो बहुत सारा दरवाजा है। बस ये वही है, हैकर क्या करता है, अनऑथोराइज एक्सेस प्रोवाइड करता है हम लोग को और वो ट्रैक करता है। यहाँ पे ट्रैकिंग वर्ड यूज आया, मतलब जो भी उसका पासवर्ड है उसको वो ट्रैक करके उस सिस्टम में घुसना चाहता है। जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट है, आर द हॉट टारगेट, सबको पता है गवर्नमेंट वेबसाइट इज नॉट सेफ। जो बना हुआ गवर्नमेंट वेबसाइट बहुत पहले से बना हुआ है, एक स्टार्टिंग वेब पेज बना उसको हैक करना बहुत इजी है, और लेकिन गवर्नमेंट टारगेट्स क्या है, वो क्या करता है, जो डेटा निकाल के वो दूसरे कंट्री को भेज दिया जाता है। जैसे हम लोग का जो नाइबर कंट्री है दैट इज पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान को अगर सेंसिटिव डेटा चला जाएगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा, सारा डेटा उसके पास मिल जाएगा। कैसे डेटा आदान प्रदान होता, क्योंकि ये सरकार का गलती है कि वेबसाइट को मेंटेन नहीं रखते, उसमें सिक्योरिटी लेवल नहीं बढ़ा, अपडेट नहीं। अब बहुत सारे वेबसाइट झारखंड में ही देख लो, अगर आप देखोगे तो देखोगे वेरियस वेबसाइट जो अंडर मेंटेनेंस दिखाते हैं, क्यों, बिकॉज हम लोग तो अगर किसी भी ऑनलाइन के माध्यम से तो किसी को देना चाहते हैं तो उसको अपडेट करके रखें, ठीक है? तो हैकिंग, फिशिंग, फिशिंग एक वर्ड है, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मछली पकड़ना, इसमें इंटरनेट पर भी है फिशिंग, जैसे कि आपको ललचाने का कोशिश करेगा, लोग देने का कोशिश करेगा कि आप जैसे वो फिशिंग का शिकार बनी थी। फिशिंग क्या है, फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट, जैसे कि ईमेल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराना। ईमेल पे बहुत सारे, कभी आपने के पास ईमेल आया कि जैसे राम सर के पास आया था 25 लाख व्हाट्सएप, सिमिलरली व्हाट्सएप भी एक माध्यम हो चुका आज की डेट में, तो वो 25 लाख मैसेजेस पे भी मतलब कंटिन्यू मैसेजेस आते रहते हैं इस तरह के, वो आपका क्या हो गया मैम,
कंटिन्यू वर्ड फ्रॉम मैसेज करने का मतलब है कि आपका मेमोरी फूड कर देगा और उसके बाद कोई वर्क नहीं होगा। नहीं जैसे मैसेज में आ रहा है कि आपने स्पैम बोलते हो स्पैम स्पैम ईमेल देखेंगे तो उसको कैटेगरी बटन होगा स्पैम ईमेल है ना, वो तो मेल में आ रहा है ना सर, अगर वो तो सर आप क्लिक मत दीजिएगा, एक मेरा फ्रेंड है उसने कुछ पार्सल भेजा था पटना, तो उसने क्या क्या उसका पार्सल से आया कि एक आपका पार्सल नहीं पहुंचा, आपका एक रुपया लगेगा और पार्सल पहुंच जाएगा, वो एक रुपये के लिए उस लिंक पे क्लिक करने के बाद जैसे वो भरा एक रुपया नहीं डाला वो उसको 25,000 रुपये चले। हाउ इट इज पॉसिबल कि एक रुपया डाला 25,000 रुपये चल जाए? दैट इज पॉसिबल कि आप अपना अकाउंट नंबर अपना OTP जैसे शेयर करोगे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे यूजर नेम और पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड और मे बी that is the malicious reasons a common online phishing scam can that message appears hoga aur wo lagega ki wo trusted hai kabhi kabhi message aata hai is company se aapne aapka offer letter aa gaya aur aap you are the selected for the this kind of a course aur aap usko reply kar dete ho aur uspe bola jayega ki aapko bas registration fees lagega 5000 rupaye aur aap send kar dete ho, fir baad mein kya pata chalta hai nobody would be there. That is the fake email. बहुत सारे दिल्ली से भी कॉल आते हैं कि आप आपका बैंक में सिलेक्शन हो गया है और लोकल बैंक में आपको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया है। हाँ तो देर होगी तो वेरियस फिशिंग मतलब आपको मेंटली मोटिवेट कर देगा। तो दैट इज द डायरेक्ट रिसिपिएंट्स टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू अ फ्रॉडुलेंट वेबसाइट, मतलब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे और लगेगा कि वो सेम वेबसाइट है। जैसे सपोज कीजिए आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और वो लगेगा पूरा फेसबुक है, मगर जैसे आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला आपको वो वेबसाइट तो ओपन नहीं होगा मगर उसके यूजर नेम और पासवर्ड किसी और के पास चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड द फिशिंग एंड वी गेट डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ यूआरएल। हम बार बार यूआरएल इसलिए बोल रहे हैं कि आप ऊपर एड्रेस सबसे ज्यादा मेन होता है, अगर HTTPS नहीं दिख रहा तो छोड़ दीजिए उस वेबसाइट को। नेक्स्ट वन इज द फिशिंग का, इस टाइप का एक सर्कल बना हुआ है कि कैसे हम लोग फिशिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये फ्रॉडर क्या कर रहा है, एक फेक साइट बना रहा है। फेक साइट का मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए आपको बैंकिंग वेबसाइट आप यूज कर रहे हो टोटली फेक हो, आपको एग्जांपल बता रहा है सिंपली जानता ना इज द हब ऑफ द साइबर क्राइम, ये सीरीज भी है उसके ऊपर बना हुआ है और सब जगह फेमस भी है। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन ने भी बोला था क्या चला, तो वहां पे क्या है साइबर क्राइम पे चलते हैं वो लोग, क्या करते हैं बहुत सारा दिमाग लगाते हैं। पहले आपको देखे हो गए फोन पे में कुछ कुछ आता था नोटिफिकेशन कि आपको इतना ज्यादा देखिए। हाँ यस सर, वो आया था कि 2500 रुपया अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, हम जैसे क्लिक किए हैं तो वहाँ लिखता था डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट, डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट, लेकिन आप दबाए नहीं उसको, आप दबाए नहीं, क्रेडिट लिखा रहा था तो दबाते हैं देखते हैं। तो आपने डेबिट और क्रेडिट पढ़ा होगा इसलिए आपने नहीं दबाया, जहां आपने नहीं पढ़ा होता कि डेबिट में क्रेडिट आपने 2500 रुपया डाल दिया उसके बाद क्या होता पिन ले लेता बस। तो यही है सर, वो वही कर रहा फ्रॉड कि मतलब वो एक फेक वेबसाइट करेगा जेन्युइन है, उसके बाद क्या करेगा लिंक भेजेगा, थाउजेंड्स ऑफ लिंक भेजता है रैंडमली जो फंस जाए। तो फिशिंग का मतलब है ये जाल फेंका और कितने मछली पकड़ ली, ठीक है? तो वेरिएबल स्लीप हो गया नहीं। हां यस सर, कई बार ऐसा होता है कि फोन में ओटीपी करके आता है मैसेज की ना फलना चीज के लिए फोन में ऐसा ओटीपी आ रहा है तो वो क्या है, दैट इज आल्सो द स्पैम मैम। हम लोग ओटीपी आ रहा है तो किसी को शेयर करना ही नहीं है, कोई फोन भी करेगा तो नहीं नहीं किसी की ओटीपी आ रहा है मान लीजिए कोलगेट का है या कुछ जोमेटो का है उस टाइप से, आपने जब इशू एक्सेस दिया होगा ओटीपी का तभी नहीं नहीं कंटिन्यू। तो मेरे साथ दो बार हुआ है सर, मतलब 10 मैसेजेस और कॉल कंटिन्यू की भाई, मतलब हमें जिसका ओटीपी आ रहा है प्लीज आप क्लिक कीजिए और मेरे पास मतलब कई बार कुछ ऐसा है सर, वो क्या है और फिर मतलब कैसे बचे उस चीज से? मैं देखिए इससे बचने का कोई तरीका नहीं, बस उसको इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर कीजिए शेयर भी हम करेंगे। फोन नंबर उस बंदे के पास हमारा कैसे जाना है?
तो उस समय करीब करीब 60% टीचर के पास क्लास जब चल रहा था उसी समय ऑनलाइन क्लास के समय में ही फोन आना शुरू हो जाता था, ओटीपी के ओटीपी भी भेजता था कि इसको से, तो वो जब कोई अगर चलाते हैं कोई एक ऐसा है जो पॉपुलर है कॉपियर तो चलाते हैं तो वो हमारा डाटा उसके पास चला जाता है और हैकर वही से उठाता है और तुरंत पूछ सकता है काटने के बावजूद भी तुरंत रिवर्स कॉल करते हैं और ये भी चाहिए कि फोन नंबर काटने के तक हम ले लेते हैं, हम ले लो भाई नीचे से लेकर दूर एक मिनट के अलावा मैसेज के लिए कांटेक्ट तो दे दीजिए और देने के बाद क्या होता है आप ये न्यूज़ ऑथराइजेशन का मतलब करा मतलब और सारा मैसेजेस और आपको कांटेक्ट के लिए तो मेरी ऐसा हो सकता है कि जैसे ऐप मैंने 2 मिनट हम तो भरोसा नहीं है 2 मिनट बोल रहे हैं मात्र 2 मिनट 2 मिनट यहीं सर्वर है, उसका एक सर्वर है
और उस सर्वर से हम लोग को आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। उसके बीच में बहुत सारे रास्ते हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल पहुंच रहा है, मगर यहाँ पे बीच में क्या होता है, वहीं पे आपका हैकर्स लोग उस पर अटैक करते हैं और उसी के थ्रू आपको मेल भेजते हैं ताकि वो फंस जाए। ठीक है, स्पैम है। नेक्स्ट वन इज द मालवेयर। मालवेयर ये इस टाइप का एक वायरस है। इसका एक कंक्लूजन है, स्पैम है, वो सारा जो है वो अनऑथराइज्ड मेल से मैसेज। नो सर, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम ऐड करते हैं अपने लिस्ट में कॉन्टैक्ट, सिंपल एग्जाम्पल से मोबाइल में, तो वो कॉन्टैक्ट के अलावा अगर कोई फोन आता है तो कभी कभी देखो उसको दिखता स्पैम। क्यों? क्योंकि जैसे कि कोई इंश्योरेंस कंपनी आपको फोन कर रहा है या फिर कोई बैंकिंग फ्रॉड वाला फोन कर रहा है, परसों तो हमें देखे ना सर फ्रॉड और फोन कर रहा है, तो वो डिटेक्ट कौन करता है, एक सॉफ्टवेयर जैसे ट्रू कॉलर डिटेक्ट करता है, मगर हम लोग उसको उठाते नहीं है। और वैसे ही आपका मेल भी वर्क करता है, मेल के पीछे बहुत सारे डेवलपर्स बैठे हुए हैं ताकि वो सारा स्पेसिफाई करता है कि ये प्रॉपर वेबसाइट से आया हुआ है। ठीक है, हैकर्स क्या करता है, मालवेयर के नंबर से पर्सनल इन्फॉर्मेशन को और पासवर्ड को निकाल लेता है। यहाँ पर मेन मोटो वही है कि दे विल टेक आउट द डेटा, दैट इज आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर पासवर्ड और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वायरसेस सबको पता होगा कि वायरसेस एक प्रोग्राम्स होता है जो कंप्यूटर और फाइल के रूप में हम लोग को मिलता है, जो नेटवर्क के थ्रू आ जाता है। कभी कभी वायरस आता है, हम लोग स्कैन कर देते हैं, कभी कभी कोई बहुत सारे इलीगल वेबसाइट्स होते हैं, अगर कहीं से हम लोग फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कि स्कैन कीजिए मोबाइल को स्कैन कीजिए। वो स्कैन करने के बाद क्या होता है, मोबाइल स्कैन तो हो जाता है मगर उसके अंदर एक और वायरस भी आ जाता है और हम लोग को पता भी नहीं चलता। फिर वही है, हम लोग तो उतना ट्रांजेक्शन करते नहीं है, 5 रुपये 6 रुपये रहता है ना। तो वायरसेस क्या होता है, अटैच हो जाते हैं फाइल के रूप में और दे यूजुअली अफेक्ट द डेटा और मोबाइल डिवाइस बाय अल्टरिंग और डिलीटिंग, दीज आर द थिंग्स। उसके बाद है वॉर्म्स, ट्रोजन, ये सब भी एक वायरस का रूप है। वॉर्म्स क्या है, वो भी एक वायरस है जो होस्ट मतलब जहां पे उसको भेजना है, जो मेन डिवाइस है उसको क्या करता है, वो कॉपीज बनाने लगता है। कभी कभी शॉर्टकट वायरसेस हम लोग देखे थे, हम लोग लैब में शॉर्टकट वायरसेस भी है, पेनड्राइव एक दिन घुसा है, पेनड्राइव में शॉर्टकट बन गया, वो एक टाइप का वॉर्म्स है। मतलब फाइल में क्या होता है, अटैच हो जाता है और उसको मल्टीप्लाई कर देता है एक सब्स है। ट्रोजन भी एक मालवेयर है जो वो भी क्या करता है, वो भी स्टील करता है डेटा। रैंसमवेयर एक वर्ड है, रैंसमवेयर एक वर्ड है जिसमें क्या होता है, हम लोग इन्फॉर्मेशन को चुराने के बाद वो क्या करता है, वो हम लोग से पैसे का डिमांड करता है। सिमिलरली अगर सपोज कीजिए उद्योगपति हम लोग में बहुत है, जैसे कि टाटा हो गया, अगर टाटा को कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे चुरा लिया और उसको फोन करके बोलेगा आपका इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तो वो पैसे तो दे देगा ऑलरेडी। सिमिलरली मार्क जुकरबर्ग का भी अगर चोरी हो गया तो भी वही करेगा। तो ये रैंसमवेयर वही है जो बहुत सारे लोग कैटेगराइज कर देते हैं वायरसेस को। ट्रोजन क्या करता है, इन्फेक्ट करता है हम लोग को सच एस ईमेल के थ्रू हम लोग डाउनलोड, तो हम लोग को बस डाउनलोड से बचना है, फेक ईमेल से बचना है। ठीक है, और कुछ कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम लोग को करना है जो स्लाइड्स का लास्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, यस सर। जैसे पढ़ाई से रिलेटेड कोई ऐप आता है, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारे ऐप हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर OTP मांगता है या वो इन्फॉर्मेशन मांगता है, हम लोग दे देते हैं, तो उससे कोई तरह का नुकसान है? आजकल पॉपअप ब्लॉक करने के लिए भी वेब देखिए होगी, क्रोम ब्राउजर में सेटिंग में जाके आप पॉपअप ब्लॉक कर सकते हो ताकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट नहीं आए। क्या क्रोम सेफ है? क्रोम का सेटिंग में जाके आप वहां पे जाके आप उसमें हटा सकते हो पॉपअप ब्लॉक। अभी उससे पहले हम बोल रहे थे कि हम लोग कुछ भी जो अपना पासवर्ड वगैरह है सेव नहीं कर सकते, गूगल फोटोज वगैरह कोई भी चीज हो गया क्रोम वगैरह में भी जितना भी हम लोग फोटोज खींचते हैं वो सारा कुछ सिंक हो जाता है हम लोग का ड्राइव में, तो अगर सेफ नहीं होगा तो उसको तो इंडिया से बाहर भगा देना चाहिए।
सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड कर रहा है, गूगल फोटो सेफ है, हाँ हाँ आपके ऊपर शेयर मत कीजिए किसी को, जैसे इंस्टाग्राम आप शेयर करेंगे तो नॉर्मल से बात है, एवरीवन कैन शेयर योर प्रोफाइल आल्सो, आप किसी को ऑथराइजेशन दीजिएगा तो। यस सर, सर नेट बैंकिंग सिक्योर इसीलिए है क्योंकि जो हम लोग फोन पे यूपीआई करें दैट इज अ थर्ड पार्टी टू, यूपीआई जो है वो थर्ड पार्टी है, वो बैंक से क्या करता है रिक्वेस्ट लेके किसी और को पैसा भेजता है, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग क्या है वो पर्टिकुलर बैंकिंग का ही आपका ये है सर्विसेज, जैसे फोन पे गूगल पे सब ऑथराइज मिला है आरबीआई से करके ऑथराइजेशन है, लेकिन उसमें भी आपको पिन दिया है ना, वो पिन को शेयर करने के लिए ऑथराइजेशन थोड़ा दिया है सर, लेकिन वो क्या करता है वो बैंक से कनेक्टेड है, आप जो कर रहे हैं जैसे इंटरनेट बैंकिंग में क्या बहुत लंबा प्रोसेस होता है, यूजर नेम डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए, और उसको दो कीबोर्ड आता है, एक वर्चुअल कीबोर्ड आता है एक फिजिकल कीबोर्ड, हाँ और वर्चुअल कीबोर्ड में क्या होता है जितना भी आपका अल्फाबेट और जो नंबर्स होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्यों चेंज होते हैं क्योंकि हैकर्स लोग क्या करता है कीबोर्ड का जो कीज है कभी चेंज होता है उस पर, जहाँ पे ए है वहीं पर रहेगा ना, लेकिन वहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड आपको इसलिए दिया जाता है कि आपको हैकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए उससे, और उस पर दो टाइप का इंक्रिप्शन यूज किया जाता है 128 और 256, जो आप कार्ड में देखते हैं ना मास्टर कार्ड वीजा कार्ड, वो सब सिक्योरिटी कंपनीज है जो आपको सिक्योर करती है ताकि आप लोग जहाँ पे स्वाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे पिन नंबर देना पड़ता है, ना तो क्रेडिट कार्ड बहुत सारा आपका आजकल आ गया वेव ऑफ वाला ऐसे सटा है और पैसा कट गया, जैसे आजकल 80-90% लोग फोन पे या गूगल पे कर यूज करते हैं, जबकि बैंक इस चीज को गारंटी नहीं देती कि अगर किसी तरह का फ्रॉड होता है, क्यों देगी सर, दैट इज अ थर्ड पार्टी सर्विसेज, थर्ड पार्टी सर्विसेज नहीं दिया गूगल पे फोन पे जस्ट एक्ट एज अ मीडिएटर सर, जो पेटीएम है ना सर, पेटीएम का 90% शेयर चाइनीज कंपनी का है सर, हमको ये बोलना लगता है कैसे, इसलिए क्योंकि ऑथराइज आरबीआई बैंक देती है फोन पे को गूगल पे को, उसे रजिस्टर होती है, इसके बाद भी वो बोलती है बैंक जिम्मेवार नहीं, तो सर आप उसका लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़िए सर, एक एग्जांपल दे रहे हैं संजय साहब का यूपीआई पिन चेंज करना चाह रहे थे नहीं हुआ, बैंक में बैंक जाने के बाद क्या हुआ, वो बोलेंगे हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते आपके यूपीआई पिन, आपको कौन खुद थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ही चेंज कर सकता है, बैंक आपको क्या करेंगे, बैंक तक आप जाओगे लेकिन पिन आपका क्या, पिन तो सिक्योर है, जब तक पिन आप चेंज नहीं करेंगे तो पिन चेंज हो ही नहीं रहेगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सर क्रोम नहीं, अगर आप डायरेक्टली कोई वेबसाइट के थ्रू इंस्टॉल करें तो उसको देखिए मोबाइल में लिखा रहेगा इट कैन इफेक्ट योर मोबाइल डिवाइसेस, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इंस्टॉल कर रहे हैं, मगर जो प्ले स्टोर है वो गूगल का ही है, और प्ले स्टोर पे क्या वो लोग छान छान के मतलब वो रखते हैं, मतलब जो जेन्युइन है, मतलब कोई यदि ऐप डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से कीजिए ठीक है, प्ले स्टोर नहीं, प्ले स्टोर में देखिए एंट्री में जब नहीं मिलेगा, नहीं मिलता, देखें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है सर, उसका अलग से सॉफ्टवेयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हां अगर आप बोले हैं या नहीं करते हैं आप यूज कीजिए वो जेन्युइन मतलब वो वैसे काम नहीं करेगा सॉफ्टवेयर है ना सर, नेक्स्ट वाले नेक्सर पे जैसे बोले कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड को चुरा के आपसे क्या करेगा, रैंसम मनी पूछेगा आपसे, ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए आपका फेसबुक से फोटोज निकाल लिए, ठीक है, फोटोज या फिर कोई ऐसा डेटा, और आपसे पूछेगा कि आपका तो सारा कुछ डेटा मेरे पास है ना, और उसको हम वायरल कर देंगे, तो नॉर्मल सी बात है आपको तो रैंसम मांगेगा आपसे, किडनैपिंग ये समझ लीजिए, मतलब हम लोग का डेटा सोचिए मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके कारण हम लोग पैसे पे कर सकते हैं, अगर एप्पल का मालिक जो है स्टीव जॉब मर गए है ना, स्टीव जॉब के पास सोचिए इतना पैसा है, उसका अगर डेटा को अगर निकाल लिया जाए तो वो तो रैंसम देगा ही ना अपना डेटा को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट वन रैंसमवेयर क्या करता है, कंप्यूटर का जितना भी आपका रैंसम वो पेड के अंदर आता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए डेंजरस रैंसमवेयर का नाम भी दिया हुआ है, जो सिस्टम में जाने के बाद हम लोग को पता भी नहीं चलता, और इसको पता कैसे करेंगे, बस वही कारण है कोई भी अननोन लिंक और पॉपअप विंडो को क्लिक करना ही, देन यू विल सेव, ठीक है। रैंसमवेयर के बाद है सर एटीएम स्कीमिंग, आप लोग कभी कभी जाते हो एटीएम को पुट कर देते हो, एटीएम में जाते हो, स्कीमिंग का मतलब जानते क्या है,
आप जब एटीएम को पुट करते हो तो वहां पे इसको निकाल के देखा कीजिए, उसमें भी एक तुम्हारा आपका क्या होता है स्कैन करने के लिए एटीएम जो आपका जो मैग्नेटिक चिप होता है उसका भी रीडर मिलता है और कभी कभी कैमरा भी फिट होता है जैसे हम लोग हाथ लगा के करना चाहिए। जो एटीएम होता है ना वहाँ पे जो पासवर्ड पुट करते हैं हम वैसे पुट कर देते हैं, अब पता चला ऊपर में दिख नहीं रहा है वहाँ पे कैमरा तो वो छोटा छोटा आता है ना कोई भी कैमरा लगा दिया अब आपका पिन पता चल गया और बाहर निकले और निकाल लिया जेब से, बहुत बार ऐसा होता है और आपका एटीएम तो किसी और का वहाँ पर पैसा निकल गया। तो स्कीमिंग वही होता है इंस्टॉलिंग ए स्कीमिंग डिवाइस एट टॉप ऑफ मशीन जिसमें कीपैड टू ऐप है जेन्युइन कीपैड लगेगा पूरा जेन्युइन कीपैड है लेकिन वो डिवाइस क्या कर रहा है वहां पे कार्ड रीडर को ट्रैक कर रहा है आपका जितना भी आपका वहां पे ये एडिशनली मशीन मालवेयर क्या करता है ये भी स्टील करता है क्रेडिट कार्ड डायरेक्टली एंड आल्सो बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइसेस। बहुत सारा स्कीमिंग है हम लोग इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप कार्ड यूज कर रहे हो तो कार्ड कभी भी आप मार्केट में जाके जैसे बोलते हैं ना हम लोग जो फिंगरप्रिंट देते हैं वो भी अनसिक्योर है। आपको पता है कि अगर जामताड़ा में जाके आप वहाँ पे दोगे तो वहाँ पे बहुत सारा आपका जो ये जो है वो फिंगरप्रिंट निकल सकता है। अब मूवी में देखते हो तो वहाँ पे आप लोग टेप से निकाल सकते हैं। आजकल एक एग्जाम्पल आया था कि आपका सिग्नेचर को भी निकाल सकते हैं। सिग्नेचर को भी फोटोशॉप की मदद से किसी और में करके बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे एटीएम मशीन फ्रॉड भी हुआ है टू कलेक्ट द नंबर ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और नंबर ऑफ अ कोड्स जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को हैपनिंग करता है। नेक्स्ट वन देखिए जितने भी फ्रॉड है परसेंटेज के हिसाब से मेंशन है जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड है 11% सैबोटेज ऑफ डेटा जो डेटा को मतलब निकालते हैं हम लोग ठीक है 17% प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन जो भी आपका जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन जैसे हम लोग का जमीन हो गया ये सब का वो 20% में आता है। पेनिट्रेशन फ्रॉम आउटसाइड सिस्टम को 25% डेनियल ऑफ सर्विस सबसे ज़्यादा 27% ठीक है और लास्ट में आपका जो वायरसेस है वायरसेस आजकल सब जगह घूम रहे हैं अब किसी के पास वायरसेस आ जाए पता भी नहीं चलेगा दैट इज कॉल्ड ठीक है मोस्ट ऑफ द सर्विसेस। नाउ यहाँ तक तो था आपका जितने भी साथ सिक्योरिटी थे ठीक है सिक्योरिटी मेजर्स जो हम लोग देख रहे हैं कि कितना वायरस है सब कुछ है। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जिसके मदद से हम लोग उसको सिक्योरिटी को हैंडल कर सकते हैं। आप लोगों को पता है एक टूल आता है जिसका नाम है वायरशार्क। वायरशार्क क्या करता है कि आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है और जो भी आप जैसे हम वोल्ट मीटर जैसे साइंस के टीचर होते हैं वोल्ट मीटर क्या करता है सर क्योंकि फ्री वाईफाई में बहुत सारे अटैकर्स घूमते रहते हैं और वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया रहता है ना या तो अपना चार्जर ले जाइए दूसरा का चार्जर यूज मत कीजिए क्योंकि वायर के थ्रू भी आपका डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ये न्यूज में भी आया था कि अगर आप किसी का वायर यूज करते हो या फिर वो चार्जर पॉइंट रहता है वहाँ वायर निकला हुआ रहता है वहाँ पे आप लगा दिए और आप वायर के थ्रू भी आपका डेटा किसी और पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो बहुत सारे फोटोज हैं बहुत सारे आपका इन्फॉर्मेशन है जो स्टील हो सकता है तो इससे भी हम लोग को बचना है। तो कुछ कुछ टूल्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है टॉप 45 जैसे कि तुम्हारा आपका कॉमन वल्नरेबिलिटी को एक्सपोजर करने के लिए CWP टूल्स आते हैं ठीक है ये क्या करता है सिक्योरिटी थ्रेट को ठीक है इस पे हम लोग ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं देते क्योंकि ये टूल्स हम लोग नॉर्मल टीचर्स यूज नहीं करते ठीक है हम लोग आगे पूछ लेते हैं। टूल एक वायरशार्क है वायरशार्क क्या करता है नेटवर्क को एनालाइज करता है उसमें जितने भी आपका जो नेटवर्क में जैसे हम लोग कोई भी डिवाइस यूज करते हैं ना सर उसमें आईपी एड्रेसेस होता है आपको पता है कोई भी डिवाइसेस का कुछ एड्रेसेस आईएमआई नंबर उस आईएमआई नंबर के थ्रू हम लोग मोबाइल को ट्रैक भी कर सकते हैं और कंप्यूटर में जैसे वैसे ही आईपी एड्रेस भी होता है तो उसके मदद से हम लोग अगर वाईफाई में भी आपका कुछ ना कुछ नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रैक करके उस टूल की मदद से उसको वाईफाई को हम लोग पता कर सकते हैं। तो टूल्स होते हैं बहुत सारे
जैसे एम मैप है, ये सब नेसेस है। नाउ साइबर सिक्योरिटी का एडवांटेजेस सर क्या क्या होता है? ये क्या करता है, इट विल डिफेंड अस फ्रॉम द हैक्स एंड वायरसेस। अगर साइबर सिक्योरिटी का रूल्स को हम लोग फॉलो करें तो हम लोग क्या बच सकते हैं, हैकिंग से और वायरस से बच सकते हैं। ये क्या कर सकता है, ब्राउज सेफ वेबसाइट। अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग इनकॉग्निटो विंडो यूज करते हैं, yes, जो आपका क्रोम ब्राउजर देता है, उसमें क्या क्या मतलब उसमें क्या बेनिफिट है? एक नॉर्मल जो हम लोग यूज कर रहे हैं और इनकॉग्निटो यूज कर रहे हैं, आपका जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसमें सेव नहीं होता है। ब्राउजिंग हिस्ट्री मतलब आपने अगर सपोज कीजिए, हाँ, जो सर्च कर रहे आप उसका ब्राउजिंग हिस्ट्री उसमें सेव नहीं होता। तो आप बैंकिंग अगर कुछ ट्रांजेक्शन करें तो उसमें सेव नहीं होगा, और वो हिस्ट्री के मदद से भी हैकर आपका सिस्टम को हैक कर सकता है, जिसको हम लोग कुकीज बोलते हैं। कुकीज क्या होता है, एक टेम्पररी फाइल्स होता है जो सेव होते रहता है आपके सिस्टम में। कभी देखते हो कैश मेमोरी हम लोग क्रिएट करते हैं कभी कभी मोबाइल में, भर जाता बहुत ज्यादा, वो कैश मेमोरी या आपका टेम्पररी फाइल्स है। इस केस में क्लियर करना पड़ता है, कैश को क्लियर कीजिएगा तो कभी कभी आप देखिएगा जो भी क्रोम ब्राउजर दिखेगा कि जो आप 25 MB का इंस्टॉल किए थे कभी कभी 1 GB का हो गया, मतलब एक साल के बाद आप कुछ नहीं कर रहे उसको क्लियर नहीं कर रहे, वो कैश मेमोरी फुल हो जाता है। कैश मेमोरी क्या होता है, छोटा छोटा मेमोरी होता है जो सर्च कर रहे हैं, और वो सर्च ही आपका सर्च के माध्यम से ही आपको गूगल इन्फॉर्मेशन भेजता है। और इससे पहले भी हम डिस्कस किए थे कि जो अभी आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं वो सर्च हिस्ट्री में और यूट्यूब आपको वही इन्फॉर्मेशन सेम इन्फॉर्मेशन आपके लाइक्स और डिसलाइक पे भेजता है, उसी टाइप्स का भेजता है, राइट। तो वो कैश मेमोरी है, सर अभी गूगल पे भी हो रहा है, सिंपल सर्च कर रहे हैं, ठीक है, वो सेम उसी टाइप का भेजता है आपको। मैम वही आपका आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसके मदद से आपकी का मेमोरी को रीड आउट करके और आप ही को लाइक्स और डिसलाइक की मदद से तभी ना मोबाइल नंबर रीड करते हैं, तो वही चीज आते रहता है। रील में देखिएगा हर किसी का कंडीशन अलग अलग रील पे रहता है दिमाग, है ना। इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोसेस ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा ऑन आवर कंप्यूटर, मतलब हम लोग का जो भी डेटा आ रहा है तो इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए कम से कम एंटीवायरस यूज कीजिए अगर सिस्टम यूज कर रहे हो। द साइबर सिक्योरिटी विल डिफेंड अस फ्रॉम द क्रिटिकल अटैक्स। अगर आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो रहा है तो वी मस्ट गो टू द साइबर सिक्योरिटी से। बहुत लोग 500 रुपए भी आने हमको समझ रहे हैं, है ना, तो जिसके पास जो 2-2 लाख रुपए जो चला गया होगा उसके साथ क्या होगा, कभी सुने ऐसा आसपास आपको? एक दो मिनट तक बात किया और पासवर्ड क्या क्या भेजा था, वो बोला कि हम बैंक से फोन, यही तो हुआ था, लेकिन बैंक में अपना आदमी था इसलिए वो नहीं तो पूरा हैक कर लिया था, लेकिन वो बचा दिया, लेकिन 38,000 रुपया अभी तक नहीं आया। क्यों आया सर, वो जो यूज कर रहा है वो VPN यूज कर रहा है। आप अगर आपको VPN नहीं पता है तो जो VPN सॉफ्टवेयर होता है, आप किसी को VPN सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फोन कीजिएगा, दिखाएगा दुबई का, विदेश का, ऑस्ट्रेलिया का, क्यों, आपका एड्रेस को वो मिसप्लेस कर देता है, अलग अलग सर्वर से कॉल होगा। होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए आप चोरी करके भाग रहे तो आपको पुलिस पकड़ेगा कैसे, आपके पास मोबाइल है तो पकड़ा जाइएगा, ठीक है, मगर आप अगर मोबाइल नहीं तो कैसे पकड़ेगा, आपके दोस्त को पकड़ेगा, आपके घर वाले को पकड़ेगा, वो कहाँ कहाँ पर जा सकता है। लेकिन आप ऐसे जगह पर छुप गए जहाँ पे आपका आसपास वाले लोग नहीं जान रहे, वही VPN करता है, मतलब ऐसे जगह से कॉल करेगा जो आपको भी नहीं पता। तो ऐसे सर कॉल पर मत उठाइए, क्योंकि ये सब तो फ्रॉड बहुत पहले का हो चुका है, बहुत पुराना हो गया, आज के लिए नया फ्रॉड क्या है, कॉल रिसीव करने के बाद भी आपके सिस्टम में मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है, ये भी हो रहा है आजकल। तो सर एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी यूज इन आवर पीसी नीड्स अपडेट। हम लोग अपडेट क्यों करना पड़ता है, व्हाई डू वी नीड द अपडेशन, क्योंकि अपडेट करने से क्या होता है, जैसे अभी बोले सर का एक प्रॉब्लम था मोबाइल इंटरनेट नहीं चलता, तो वहां पे अपडेट का प्रॉब्लम, अगर अपडेट हो जाएगा तो मोबाइल वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपडेट करने से क्या हो गया, जो नए नए पैचेस फाइल होते हैं फाइल्स के कारण हम लोग का स्मूथ चलता है, कभी कभी आप देखते हो कि मोबाइल अपडेट मांग, तो अपडेट से क्या होगा, सिक्योरिटी फीचर सिंपल फंड है सर, सर्वर से कनेक्टेड है, अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वो सर्वर का जितना इंफॉर्मेशन वो दोनों आदान प्रदान कर रहे हैं,
The security developers will update their database every week once. मतलब हम लोग को हर चीज अपडेट करना है अपने आप एक बार. अब देखिए हम लोग कोई भी पासवर्ड बना के रखते हैं, वो पासवर्ड को अपडेट करते हैं आप? नेट बैंकिंग से. नेट बैंकिंग का बताइए, यूपीआई पिन कौन कौन अभी तक एक साल से चला है, दो साल से, और अब से चेंज किया पासवर्ड? नहीं, बहुत अच्छी बात है. नेट बैंकिंग में क्या होता है, सब चेंज है, चेंज इट एवरी 6 मंथ. अगर नहीं करेंगे तो हम लोग का जो डिजिटल फुटप्रिंट बोला जाता है, डिजिटल फुटप्रिंट बोलने का मतलब है जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो फुटप्रिंट सेव हो जाता है और उसके कारण कुछ भी हो सकता है. या फिर कभी ना कभी ऐसा केस हो सकता है कि आप जो पासवर्ड सेव करके रखते हो किसी और को पता चल जाएगा. तो मोस्टली हम लोग पासवर्ड किस नाम पे सेव करते हैं, गाड़ी का नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, है ना, किसी का नाम हो गया, अकाउंट नंबर. सिक्योरिटी डेवलपर्स अपडेट करना ही हम लोग को, ठीक है? तो दीज आर द एडवांटेजेस जो हम लोग को फॉलो अप करना है ना. सेफ्टी, अब देखिए मेन हम लोग को मेन प्रॉब्लम है इसमें सेफ्टी. सेफ्टी क्या क्या फॉलो करना चाहिए, अगर आप सिस्टम यूज कर रहे हो सिस्टम में आप लोग को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए. वी हैव टू इंसर्ट द फायरवॉल्स. ये फायरवॉल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? ये फायरवॉल्स ही हैकर्स को घुसने नहीं देते, ट्रैफिक को रोक देते. अनइंस्टॉल द अननेसेसरी सॉफ्टवेयर. जो आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हो, जैसे मोबाइल में कभी कभी क्या होता है, आप सॉफ्टवेयर डाल के छोड़ दियो, आप उसको सालों से यूज नहीं कर, फिर मोबाइल में पड़ा होगा, उसमें कुछ खाली बस स्पेस लेता है, यूज मत कीजिए. जो यूज हो उसी को यूज कीजिए. बैकअप को मेंटेन करके रखिए. कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपका फायर छोड़ जाए, है ना, उसके लिए बैकअप लेके रखें ताकि अगर कुछ भी हो जाए तो उस बैकअप से हम लोग अपना नए डिवाइस में उसको यूज कर सकते हैं. सिक्योरिटी सेटिंग को हमेशा चेक करते हुए रहना चाहिए. सिक्योरिटी मतलब अगर सपोज कीजिए आपको पता है कि हम लोग इसको ये करने से ये होता है, तो सिक्योरिटी मेजर जैसे कि पासवर्ड हो गया, पासवर्ड को चेंज करते रहिए, है ना, और यूजर नेम और पासवर्ड को हमेशा अपडेट करते रहिए. नेवर गिव योर फुल नेम और एड्रेस टू स्ट्रेंजर्स. कभी कभी हम लोग सब कुछ दे देते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन. कभी कभी फेसबुक में, कभी स्टार्टिंग में जब फेसबुक आया था उससे पहले ऑर्कुट था, ऑर्कुट उसके जस्ट 2 साल के बाद फेसबुक लॉन्च हुआ, तो वहां पे जब चैटिंग होता था, चैटिंग में क्या होता था, हम लोग को नहीं पता कि स्ट्रेंजर कौन है, आइदर ही और शी. तो हम लोग जब चैट करना स्टार्ट किया, अगर पता चला होता था शी है तो हम लोग मतलब और मतलब वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि हाँ ठीक है, आपका नाम बताया तो नाम दे दे रहे हैं, है ना, एड्रेस बताया एड्रेस दे दे रहे हैं, मोबाइल नंबर दे दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ दे दे रहे हैं, ये सब सेंसिटिव डेटा है. और वही चीज हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड में सेव करके रखते हैं, और क्या, फिर उसके बाद आपका अकाउंट खाली. नेवर लर्न मोर अबाउट द इंटरनेट प्राइवेसी. और भी बहुत सारी प्राइवेसी है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ दिमाग में रखना है कि कोई अगर नाम पूछे इंटरनेट में खास कर तो देना है रॉकी, जैक, है ना, ये सब अलग अलग नाम, है ना, जैसे रोहित बोलते विमल के जगह, तो नहीं पता चल रहा किसी को, है ना. इंडिया में ये तो पुराना डेटा है, पहले 10th पोजीशन है साइबर क्राइम में इंडिया का, सबसे पहले यूएसए आता है, नॉर्मल से बात है, लॉट्स ऑफ पॉपुलेशन वुड बी देयर. नेक्स्ट वन चाइना. चाइना हैक भी करता है किसी और कंट्री का डेटा और खुद भी फंसा हुआ, ठीक है. सबसे ज्यादा ब्राजील साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा यूएसए फंसता है. यूएसए सबसे ज्यादा क्राइम यूएसए में उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग किया हुआ है वो सी लैंग्वेज और सी शार्प है, वो लैंग्वेज पर डिपेंड है. जैसे कि अब विंडोज को सिक्योर करने के लिए हम एंटीवायरस यूज करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पैसा लेते हैं, तभी ना आपको तो आपका भेज रहा है, तो वही यूज कर सिक्योरिटी में तो ज्यादा मगर साइबर सिक्योरिटी पढ़ने के हम लोग अपने डिवाइस में यूज कर सकते हैं. होगा कुछ कुछ ऐसे रीजन है जिससे हम लोग फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है. तो दीज आर द डेटा जिसमें आपको इंडिया के पोजिशन में आता था, क्या फोर्थ पोजिशन पे चला गया साइबर क्राइम में. ब्राजील भी है, ब्राजील में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, आप लोग ब्राजील से भी मैच देखते हो बहुत सारा, ठीक है. नाउ दीज आर द सम सेफ्टी टिप्स.
Okay. We have seen that we have to be regularly update our software and operating system. ठीक है, उससे क्या होगा, हम लोग हमेशा लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस को इंस्टॉल करते रहेंगे. सर ये तो लैपटॉप का होगा सिस्टम का, मोबाइल का एंड्रॉइड सिस्टम. यस सर, मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, जितने भी अपडेट आते रहते हैं, जैसे अभी रिलीज कर दिया तो अपडेट करना चाहिए रेगुलरली जितने भी ऐप्स आते हैं. एंटीवायरस को यूज करना चाहिए. आप जैसे एंटीवायरस पूछ रहे थे, तो इंटरनेट के लिए जो हम लोग कैस्पर्स का स्काई टोटल सिक्योरिटी यूज होता है, ठीक है, जो इंटरनेट के लिए बेटर है. यस सर, आई हैव नेक्स्ट स्लाइड वुड बी द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. कोई बता सकते हो कि पासवर्ड को जो हम लोग यूज करते हैं मेल में, वो पासवर्ड किस टाइप का यूज करते हैं आप लोग? मोबाइल नंबर सर, अल्फाबेट नंबर, कुछ वो कैरेक्टर होते हैं उसमें, कैरेक्टर नंबर और लेटर यूज करेंगे, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स, ये सब. That is a strong password, मतलब हम लोग उसमें अलग अलग characters को use कर सकते हैं, capital letters, small letters, या फिर हम लोग कोई उसमें use कर सकते हैं, ठीक है, at the rate, या फिर कोई भी alphanumeric password जिसको बोलते हैं, alphanumeric password use करना चाहिए for having the जो guess नहीं किया जा सकता. आप जैसे मोबाइल नंबर यूज करते हैं इजिली, कैसे करते सब करते हैं बताएं, कुछ और करते वही है. हम लोगों से बात है ना, यहाँ पे हम लोग कोई भी ईमेल अटैचमेंट को नहीं करना चाहिए जो अननोन सेंडर हो, कोई भी भेजे, कोई से भी रिलेटेड कि हाँ आपने ये प्राइस जीता और ये आपके लिए बेनिफिशियल है, हम लोग को विदाउट कंफर्मिंग दैट इट इज जेन्युइन और नॉट, हम लोग को छूना भी नहीं. डू नॉट क्लिक ऑन द लिंक्स इन ईमेल्स फ्रॉम द अननोन सेंडर्स और अनफेमिलियर वेबसाइट्स. आप लोगों को पता है कि हम लोग जो भी वेबसाइट यूज करते हैं बहुत सिमिलर यूज करते हैं, मतलब कभी कभी हम लोग जो वेबसाइट यूज करते हैं मोस्टली हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, वी आर यूजिंग द हेल्प ऑफ गूगल. तो गूगल का काम क्या है कि हम लोग को जनरल वेबसाइट है, तभी दूसरा पेज पे आप लोग क्या है गूगल का जो पहला वेबसाइट पहला लिंक पर उसमें क्लिक करते हैं, तो वो क्या होता है, वो फिल्टर करके आपको डेटा भेजता है ताकि वो जेल में जाए, है ना. नेक्स्ट वन फायरवॉल. हम लोग इससे पहले ही करें, फायरवॉल क्या करता है कि आपका जो इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक है वो जो ब्लॉक्स करता है डेटा पैकेट्स को, वो एक सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से वो देता है. उसमें भी क्या है कि अननोन पैकेट्स को वो एंटर करने नहीं देता है. एंटीवायरस एक प्रोग्राम है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. क्रिप्टोग्राफी जो हम लोग इंफॉर्मेशन को सिक्योर करता है, क्रिप्टोग्राफी मतलब जो हम लोग 6 डिजिट या 4 डिजिट का जो कोड डालते हैं वो क्या होता है, क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब वो क्या करता है, ये जो है इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करता है कोड्स के रूप में. आप लोगों को पता होगा मशीन हमेशा 0 और 1 में कम्युनिकेट करता है, वो बाइनरी नंबर्स होते हैं. तो हम लोग जो डिजिटल में यूज कर रहे हैं डिजिटल नंबर्स को, जो डेसिमल नंबर्स है, उस नंबर्स को क्या करते हैं, वो इनकोड कर देते हैं बहुत लंबे लंबे कैरेक्टर्स में ताकि उसको समझना बहुत मुश्किल हो. तो क्रिप्टोग्राफी क्या करता है, ऐसा टेक्निक है जो उस कोड्स को वही इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसको प्रोसेस करता है, प्रिवेंट करता है. यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दिया हुआ है. नेक्स्ट वन ब्रेक म्यूजिक. आफ्टर दिस वी विल इंट्रोड्यूस आवर टीचर्स. ओके, सो दिस इज माय लास्ट स्लाइड. तो बिफोर द लास्ट स्लाइड आई वांट टू से समथिंग दैट यू हैव डन मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स of your own subjects. So kindly share your information that you have done, okay, one by one. Only 2 minutes, you can speak about 20 to 30 words related to your training. It means suppose someone has done on the NAP, you can speak on the NAP. Someone has done on the classroom management, so you can speak on the classroom management. Okay? Great, easy challenge, sir. Before ending the session, I will show you one video regarding another cyber crime, and after that I will request all of my colleagues that one by one share their information regarding the training related to the CBSE. Okay, then I will show you one video. राघव घर पहुंच.
कर देना ओके? हाँ अपनी जरूर। ओके कल मिलते हैं। बाय अपनी। तुम्हारी क्लास कैसी थी? क्लास अच्छी थी पापा। पापा आपके हाथ में क्या है, क्या मैं देख सकती हूँ? अरे ये पैम्फलेट है अपनी, ये लो देखो। ये औरत कितनी दिख रही है, मैं जानी ये इतनी सुंदर कैसे भी है। शायद मुझे इस नंबर पर कॉल करना चाहिए, मैं भी गोरी और सुंदर दिखना चाहती हूँ। पापा क्या मैं आपका फोन ले सकती हूँ? क्या तुम राघव को कॉल करना चाहती हो? मैं नंबर मिला देता हूँ। नहीं पापा, मैं इस नंबर पर कॉल करना चाहती हूँ, मैं भी इस लड़की की तरह सुंदर बनना चाहती हूँ। यह केवल एक विज्ञापन है, अक्सर विज्ञापन लोगों को गुमराह करने के लिए हमें अपने वास्तविक रूप को बदल लेंगे। हाँ मैं सहमत हूँ। कुछ समय पहले हमारे पड़ोसी के बेटे ने सोशल मीडिया पर किसी प्रोटीन ड्रिंक को पीने से दम बा घर वाले ने काफी पैसा खर्च करके उसको खरीद लिया, लेकिन लंबाई तो आप भी जीत सकते हैं। यह प्रोटीन ड्रिंक लंबाई बढ़ाने में कोई मदद नहीं करता है। ये ब्रोशर और पैम्फलेट कई बार आकर्षक प्रस्ताव देते हैं, जबकि हमको उन पर विश्वास करने से पहले दी गई सूचनाओं की प्रामाणिकता जरूर जांचनी चाहिए। अपनी खूबसूरती इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे देखता है। तुम जैसी भी हो खूबसूरत हो। धन्यवाद पापा और माँ, मुझे सही और गलत के अंदर के महत्व को समझाने के लिए। मैं इसे अपने दोस्तों से भी शेयर करूँगी। Thank you.
तक ऑफर भेजता है तो आप पुलिस में शिकायत दर्ज करने में बिल्कुल संकोच ना करें। लास्ट है तो इस वीडियो से हम लोग क्या सीखे कि वी डोंट हैव टू बी गो थ्रू द अगर आप फेसबुक भी देखते तो फेसबुक में बहुत सारे लिंक्स होते हैं जहाँ पे दिखाता है 80% ऑफ 90% ऑफ और बहुत अच्छे अच्छे घड़ी दिखाता है और किसी और वेबसाइट से हमें परचेज करने के लिए कार्ड डेटा देता है तो दिस कुड बी हैपन। सो एट लास्ट आई विल रिक्वेस्ट ऑल माय टीचर्स टू शेयर देयर इंफॉर्मेशन कम वन बाय वन ओनली वन मिनट आई विल टेक फ्रॉम ईच टीचर। सो फ्रॉम बैक साइड आई विल रिक्वेस्ट संजीव सर कोई नहीं पर अटेंड किया था तो एन ई पी में बोल रहा हूँ मैं नई शिक्षा की नीति जो आई पुरानी की जगह पर वो पुरानी जो साक्षर बनाने की जगह पर लोगों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना ये जरूरी था जो अभी लास्ट वाला साइबर क्राइम क्राइम को लेकर अगर जो व्यक्ति है वो तकनीकी रूप से सक्षम रहे हैं तो इस तरह की गलती ना करें जिससे कि साइबर क्राइम की गतिविधि को बढ़ावा मिले और इस तरह की गतिविधि को बढ़ावा बंद करने के लिए कम कर सकते आदमी को मनुष्य को लोगों को ही जागरूक करना ऐसा नहीं कि मुझे एंटीवायरस मिल गया या फिर पंजाब में सिक्योरिटी का काम कर दिया तो ये मेरे लिए सफिशियंट है नहीं खुद ये जानना होगा कि ये गलत है या सही और एन पी जो 2020 आ रहा है इसे तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए चल चलेगा और इट मीन सर वी मस्ट अवेयर ऑल द पब्लिक्स टू हैव द सम साइबर अवेयरनेस पुरानी शिक्षा में जो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन सिस्टम पुरानी परीक्षा शिक्षा के जो भी वो साक्षर बनाने के लिए लेकिन अभी जो नीति है वो तकनीकी रूप से सक्षम बनाने राइट सर जी हाँ संजय शाह सर यस सर बाय द वे थैंक यू जो सर थोड़ा चांस से समथिंग अबाउट इट एंड एज यू नो दैट द ग्रेन बी दैट इज गुड फॉर अस दैट मींस दैट वी आर लाइक टेलिंग दिस आई वेंट टू दी बिकॉज आई फ्यू डेज और हियर आई डू गो but a stress management, which is most important for us because being a teacher of this, I will tell you the state of this matter because how to work on the space, which is most important because if you want to give some valuable education, the teacher needs to start it also on the ground, which is most important. And if we don't get time for the study, then it's not quite a free task for us to deliver something or next day to go to class and to tell them. And in this, whatever is going on, that is good for us, I think, even. We can learn so many things. And as well as the practical knowledge is also necessary, which is normally deliver lectures. This is not enough for me, according to me, because in my opinion, I am not that much up to the mark. So this much I can tell you. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir, what is your answer to this? Yes, sir, Sanjay, sir. बहुत सारे ट्रेनिंग हम लोग किए उसमें से हम एक ट्रेनिंग किए थे कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स तो कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स में जो हमने सीखा जो बताया गया उसमें जो ट्रेनिंग दिया जा रहा था उसमें ये बताया गया कि कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स यदि हम स्टूडेंट को बेस्ट परफॉर्मेंस या बहुत अच्छे या बेहतर तरीके से उसका ओवरऑल डेवलपमेंट यदि आप देखना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको पेरेंट्स से हमेशा कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे हमारे पास यहाँ तो मात्र 6 से 7 आवास रहते हैं बाकी लोग घर में रहते हैं पेरेंट्स को भी चाहिए कि हम जो है टीचर क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर है हमेशा हमेशा वार्तालाप जब भी मीटिंग हो या जब भी कोई तरह का रिगार्डिंग स्कूल से रिलेटेड कोई बात हो तो हम बुझाएँ वहाँ पता करें तभी जो है उस बच्चे का वो स्टूडेंट का जो है वेल डेवलपमेंट हो पाएगा अदरवाइज क्योंकि घर पर वो क्या कर रहा है वो तो मैं नहीं जानता जैसे कि अभी से एक हफ्ता पहले मुझे एक फोन आया था पेरेंट्स का सर मेरे बच्चे जो है रात में 1 बजे तक जो है फ्री फायर खेलता है और समझो बस वही पेरेंट्स आया रिपोर्ट कार्ड देने के लिए हमको बोला कि सर देखिए ना इसका रिजल्ट ऐसे तो हम उसका जवाब दे पाए सर
that would be also the part of the set we have to be give their suggestion to their parents that don't use the devices that will distract your child. हाँ हमने उनको सजेशन बताया सब बताया कि नहीं आपके जो अभी बच्चे इस लाइक नहीं है उनको जरूरत है आप जब भी बच्चे आपके घर पे पढ़ाई करते हैं जब भी मोबाइल यूज करते हैं आप कोशिश करें कि उनके सामने रहें आप सामने रहेंगे तो हो सकता है आप मान के चलिए आप उनका खाना बना रहे हैं या खाना बना रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं ऑफिस में तो हो सकता है कि बच्चे मोबाइल लेके आ रहा है घुस के कुछ भी कर रहा है पता नहीं कि वो यूजफुल चीज़ें को देख रहा है या अनयूजफुल चीज़ को देख रहे हैं तो ये सारे चीज़ें जो भी था मैंने उनको बताया तो ये मुझे लगता है कि कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स जो है कम्युनिकेटिंग विद पेरेंट्स बहुत ही ज़रूरी है तभी वो बच्चे का या वो स्टूडेंट्स का वेल डेवलपमेंट हो पाएगा अदरवाइज नहीं होगा थैंक यू Until and unless if we won't be aware of something, we can't deliver to any other student or to our society. And right now, we are getting n number of spam calls, n number of phishing websites we are getting, on a daily basis we are getting. And you helped us a lot to understand what actually these malware means. So definitely it will be helpful for us. And I, entire colleagues will ensure that they will surely spread the awareness of this particular topic in their own society, which will also help them to get sophisticated with such matters. अभिषेक सर मोस्ट ऑफ द थिंग्स
कवर करेंगे हम बहुत सारे टीचर्स में भी कवर कर दिया। मेरे साथ एक वाक्य हुआ था कि एक दोस्त किसी 24 रुपये के लिए लिंक पे क्लिक कर दिया था और मैंने आपको दिखाया भी था। उस पर क्लिक करने के बाद वो एक्चुअली लोन लेना चाहता था पर वो 24 रुपये उसको मिल गया और फिर वो उसका फोटो से उसका कॉन्टैक्ट से लेकर मेरा कॉन्टैक्ट भी उसको कैलकुलेट कर लिया और जितने जितने उसके फ्रेंड सर्कल थे सबके पास उसका फोटो भेज दी। साथ में लिखा हुआ भी है इस लड़के ने लोन नहीं चुकाया तो इसको बोलो इसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ फिर उसको आपको दिखाई थी। और अभी अच्छा है कि ये साइबर सिक्योरिटी जो अभी चला है ये फिर अपलोड होगा यूट्यूब पे और बहुत सारे जगह पे जाएगा तो अवेयरनेस फैलेगा और हम लोग इसलिए अवेयर करेंगे। थैंक यू सर। आज का जो टॉपिक था कि हम लोगों के लिए यूजफुल तो है ही पर हम लोग को ये सारी इंफॉर्मेशन को बच्चों के साथ शेयर करना है बच्चों के साथ साथ समाज में वहाँ घर परिवार में भी ऐसे हो सकते हम लोग तो थोड़ा अवेयर तो हो सकते हैं और जो घर के समाज के लोग हैं उनको भी सब थोड़ा अवेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर। दैट इज गुड सर। संगीता संगीता मैम सर अभी जो वीडियो देखे हम लोग उससे अपने बच्चों को अपने क्लास के स्टूडेंट को भी बता सकते हैं कि आप इफ़ यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स तो उसके लिए अपने पेरेंट्स को भी आप बताना है ऐसे अनजाने उसको अपने बच्चे को बताया अब वही अलग सिचुएशन में क्या वो बच्चा ने क्या किया घड़ी खरीद लिया दैट इज व्हाई वी कैन अवेयर द पेरेंट्स। काशी सर सबसे पहले आज जो चला हमारा साइबर क्राइम जो भी आपका टॉपिक होता है इसमें अगर से देखा जाएगा तो इंटरनेट के दुनिया से इतना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं कि सोच नहीं सकते। सभी के हाथ में इंटरनेट जब चाहेंगे तब सब कुछ शेयर हो सकता है लेकिन इसमें जो चीज़ अगर भी अगला पार्टी मांग रहा है अगला आदमी मांग रहा है उसको अगर भी हम स्वयं से नहीं देंगे तब तक वो व्यक्ति ले नहीं सकते। इसमें अवैध खुद होना अगर भी हम जागरूक रहेंगे तो दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे हम पासवर्ड अगर भी बना रहे हैं वहाँ भी हमारा थोड़ा थोड़ा गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे अगर भी हम अकाउंट में किसी का ट्रांसफर कर रहे हैं वन डिजिट या एक डिजिट भी गलत डाल दिए तो पैसा तुरंत दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। फोन होता भी है फोन पे अगर भी हम फोन पे लेकर के अगर भी हम बैंक के पास जाते हैं तो सीधा बोलता है इसका जिम्मेदारी हम नहीं तो इसमें हम खुद अवेयर हैं उसका वो गलती मेरे द्वारा वो फोन पे के द्वारा नहीं। तो जितने भी हम गलतियां करते हैं या जितने लोग गलतियां करते हैं वो नेट चलाने वाले व्यक्ति यानी खुद मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति ही करते हैं और उसके माध्यम से हम फंस जाते हैं। लोन का भी है इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को हम जागरूक करके बच्चों को समाज को और जितने भी आपके सर्किल में हैं वैसे लोग ठगी लोग जैसे राम सर का फेसबुक वाला है ये भी बताए तो इसमें भी सतर्क होने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। और अभी सर लोन एप्लीकेशन बहुत सारे इलीगल को बंद करने का भी नोटिस आ चुका है। सुरेखा मैम Being as a teacher, I participated in the NEP session. I will share some information regarding him. NEP, India में लाने का श्रेय सबसे पहले कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन उन्होंने 1986 में सबसे पहले इंडिया में इसको लागू किया। इसको लाने से पहले बहुत सारे इंडिया में कुछ इंस्टीट्यूट थे बड़े बड़े बिक्स मिलानी जैसे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और भी उनके जितने बड़े बड़े वाइस चांसलर काउंसलर थे
इन सभी से मीटिंग किए, मीटिंग अटेंड करवाए, क्या इसमें मतलब टोटल 484 पेज का ड्राफ्ट लाया गया, उसमें से लगभग 2 लाख सजेशन पूरे इंडिया ऑल ओवर इंडिया से आया, उसमें से लगभग 2.5 लाख ब्लॉक था, ब्लॉक से 6600 ग्राम पंचायत से इन्फॉर्मेशन आया गया। तो इसका मतलब आने का मोटो था कि जो इंडिया में बहुत पहले से जो रटा रटा है, जो नीति हमारा एजुकेशन पॉलिसी था उसको चेंज करना था, 10+2 जो पहले से अभी तक चले आ रहा है, तो अभी भी वो मतलब कंटिन्यूस प्रोसेसिंग में है, तो उसको 5+3+3+4 मॉडल में उसको लाने का ये मतलब किया गया है। That is, we can save ourselves, right sir? By self-awareness? Yes sir. Unwanted, मतलब किसी unnecessary किसी तरह से किसी का ईमेल उनको हैक करना, किसी को साइबर क्राइम, और जैसा कि आपने बताया कि जामतारा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑल ओवर इंडिया, ना कि वर्ल्ड में भी वहाँ से साइबर क्राइम होते हैं। Yes sir. तो इसको हम सबसे अच्छा तरीके से हम जागरूक कर लें। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम सर। ऐसा क्या आज का क्लास साइबर क्राइम के था, तो उस पर हम लोग को बताया गया कि कोई भी फोन में अगर नोटिफिकेशन आए तो उसे बिना पढ़े बिना जानकारी का क्लिक ना करें, अगर नहीं समझ आए तो किसी से जानकारी ले सकते हैं, और ना हो तो अब तो पता चल गया ना, हम किसी को जानकारी दे सकते हैं। जानकारी दे सकते हैं अनिल सर। थैंक यू सर। जैसा कि आपने आज बताया साइबर क्राइम के बारे में, उससे कैसे हम लोग को बचना चाहिए, जैसे उसमें कुछ लोग मिले होते हैं उससे क्रेडिटर को हैक करते हैं और उससे रिलेटेड वो अपना मैसेज भेजते हैं या लिंक भेजते हैं, तो उस पर हम लोग को टच नहीं करना चाहिए, उसको अपना दे रोक के इग्नोर करना चाहिए, उससे सावधान रहना चाहिए। I have done a several seminar, CBC seminar, almost 28. So among those all seminar, one of the most, I think, it was Happy Teacher Creates Happy Classroom. This topic I have given in a seminar, I have given some of my friends, उसमें थे सेमिनार में, कुछ मेरे फ्रेंड्स उस सेमिनार में नहीं थे, तो मैं बस समराइज फॉर्म में बता देना चाहूँगा उस सेमिनार में हुआ क्या था। बस उस सेमिनार में एक मोटो था टीचर के लिए, खास करके एक मुद्दा था कि आपके घर में कुछ भी हुआ हो आपके साथ, आप क्लासरूम में जा रहे हो तो आपको एक ज्वाइनिंग रूम होना चाहिए, आपके मैनेजमेंट के साथ हॉट टॉक हो चुका है, तो आप ऐसा नहीं कि वही हॉट टॉक आपके अगर माइंड में चल रहा हो और क्लास में चले जाए, तो वो सिर्फ ये चीज़ नहीं करना है। तो क्लास में मैं जो समराइज हुआ मैं यही करता है कि बस आपको क्लास में जाना है तो आपका एक ज्वाइनिंग मोड में जाना है, ताकि क्लास में बच्चे जो है वो खुशनुमा रहे, और खुशनुमा रहे तो इससे क्या होता है, आप जो भी टॉपिक पढ़ाओगे आप क्लास में तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चे खुश रहेंगे और उसको गैदर बहुत जल्दी करेंगे उसको। दैट वॉज द टॉपिक दैट आई हैव डन इन द सेमिनार। ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। And the last slide is already we have seen 420, but there will be the different sections regarding the cyber crimes. 43, section 43 and 65. These are having which committed by downloading virus, liable penalty. These are things. Okay. So we must aware ourselves. Overall, I want to say that aware yourself from the internet fraud and aware parents and children also, so that. Cyber crime should be less. Thank you.